बैक टू माई अनदर न्यू ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। एंड अभी बज रहे हैं 6:10, तो अभी से मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो गुड इवनिंग टू ऑल। एंड जो लोग अभी नए नए देख रहे हैं मेरे इस ब्लॉग को, तो वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एंड वीडियो अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करना, एंड ज़्यादा अच्छी लगी तो एज यूजुअल सब्सक्राइब माय चैनल। तो आप लोगों को लग रहा होगा शाम के 6 बजे हैं एंड बाल गीले हैं, तो जी हाँ, मैं अभी नहा के आई हूँ क्योंकि कुछ खाना बना रही थी, चंपारण चिकन, वो मेरे हस्बैंड बनाने वाले थे। तो वो लास्ट में बोल रहे कि मैं नहीं बना सकता, तुम बना दो। तो हम चक पहले बना लेती हूँ, देन मैं नहाने जाऊँगी। तो उसको बिठा के मैं चली गई नहाने। अभी जस्ट मैंने गैस ऑफ किया है, वो बन चुका है। एंड उसकी रेसिपी आप लोगों को मेरे चैनल में मिल जाएगी, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। एक दिन मेरे हस्बैंड ने बनाया था तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। आज मैंने बनाया है, गॉड नोज कि कैसा बना होगा। आई होप अच्छा बने। तो एक्चुअली मैं अभी थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ क्योंकि हम लोग, मैं, मम्मी जी, रियो, प्रीत, हम चारों जा रहे हैं मेरे एक दीदी के घर। तो मतलब पास में ही है, पास वाली आइलैंड में रहती है वो दीदी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत दिनों से वो दीदी बोल रही थी जाने के लिए, पर हम लोग नहीं जा रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो एंड वो लास्ट आई थी हम लोगों से मिलने, तो मम्मी जी बोल रही है कि चलो आज चलते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं भी कुछ बना के लेके जाती हूँ। तो इसके लिए मैंने आज बनाया है बटर पनीर एंड चंपारण चिकन, तो वो लेके जाऊँगी। एंड दो बच्चे हैं तो उन लोगों के लिए हम लोग चिप्स लेके जाएंगे। तो बस हम लोग वेट कर रहे हैं कि वो जो मैंने चिकन रेसिपी बनाया है वो ठंडा हो जाए, देन मैं, मम्मी जी, हम सब जाएँगे। तो 6:30 तक मे बी हम लोग निकल जाए। तो फिलहाल मुझे लगी है भूख क्योंकि मैंने आज लंच नहीं किया। और लंच क्यों नहीं किया पता है आप लोगों को? वो भी मेरे हस्बैंड की वजह से, क्योंकि आज उनको लंच बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एंड उन्होंने नहीं खाया तो मैंने भी नहीं खाया। तो ऐसे पार्ट ऑफ जोक, ऐसे मुझे भूख नहीं था तो मैंने नहीं खाया। तो अभी मैं नहा के आई हूँ, ना आई एम फीलिंग हंग्री। तो चलिए देखते हैं पहले फ्रिज में क्या है। एंड यहाँ पे रियो बाबू बैठा है पढ़ने के लिए। ये बहुत ज़्यादा सुबह में उठ के पढ़ने ऐसे बुक्स लेके बैठता है। आपको लग पता है ये सब बुक्स किसके हैं? ये सब बुक्स प्रीत के हैं एंड मतलब क्लास 2 के हैं। तो हम, मम्मी जी ने सब इसको निकाल के दे दिया, ये पढ़ता है। तो बस सुबह शाम बुक्स लेके, आपको ज़्यादातर मेरे ब्लॉग्स में ये बुक्स में ही नज़र आएगा। बुक्स लेके ये आया है नीचे इसको दिखाने के लिए। देखिए, हेलो हेलो, हाय कृष्णा। तो बस अभी मैं इसको रेडी करूँगी, फिर प्रीत का भी ड्रेस निकाल के दे दूँगी, वो खुद से रेडी हो जाता है। तो मम्मी जी अब इवनिंग का जो पूजा होता है वो करेंगी एंड आफ्टर ऑल हम लोग निकलेंगे। तो चलिए देखते हैं फिलहाल फ्रिज में क्या है, कुछ खाना पड़ेगा। तो देखते हैं फ्रिज में क्या है। फ्रिज में मिला है चॉकलेट। यहाँ पे क्या लाया है भाई? ओ यहाँ पे है, देखिए गुलाब जामुन। फ्रिज खोलते ही आ जाते। ओ तो यहाँ पे है गुलाब जामुन, तो वो ये मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि अभी दीदी के घर में जाएंगे, वहाँ पे भी चाय वगैरह कुछ ना कुछ तो खाने को देंगे ना, तो अभी मीठा नहीं खाएंगे। वैसे भी आजकल मैंने थोड़ा सा, मतलब डाइटिंग नहीं पर ऐसे ही थोड़ा सा मतलब संभाल के खा रही हूँ। तो कैसा लगा मेरा मजाक? फिलहाल है मेरे पास ये डायरी में एक चॉकलेट, ये भाई लाया था, दो लाया था, एक लेके होने वाले पत्नी के लिए, एक हम मेरे लिए और बच्चों के लिए छोड़ गया। तो चलिए पहले ये खाते हैं। तुम खाबे? हाँ रियो आ गया। छोटा सा पीस आप सबके लिए।
একদম বললাম বাইরে নাকি একবার দেখো, সাইড করে রেখে দাও। हे एवरीवन, तो हम सब लोग आ चुके हैं एंड रियो भी सो चुका है। अभी हम लोग बैठे हैं डिनर करने, एंड डिनर में चिकन एंड रोटी। तो अभी हम सब लोग डिनर कर रहे हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से और एक नए फ्रेश ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी। टाटा, गुड नाइट।